धोखाबाजी, मक्कारी, झूठ और दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने में बदकिरदार भारतीयों का कोई सानी नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली असेंबली से 370 और 35A के तहत मुकम्मल खुदमुख्तारी के मुआहदे का ख्वाब दिखाकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंद हिंदुत्व का धोखाबाज भयानक चेहरा दिखाया। तहरीक आजादी की तमाम कयादत और हजारों कारकुनान को भारतीय फौजी कैंपों और भारत के दूर दराज के अकूबत खानों में कैद कर दिया। ये ही नहीं, तमाम भारत नवाज सियासतदानों को भी नजरबंद या कैद कर दिया गया। एक साल बाद भारत नवाज सियासतदानों से इस बात की तहरीरी जमानत लेकर रिहा किया जा रहा है कि वो शिक 370 और 35A पर कोई बयान नहीं देंगे। इसका सबूत फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू है, जिसमें मेजबान के बार बार पूछने पर फारूक साहब बात करने से मुकम्मल एतराज कर रहे हैं। एक और रैली आपकी थी जिसमें आपने कहा था कि इसके साथ हाथ लगाया तो फिर इससे आजादी के लिए राह हमवार हो जाएगी, तो क्या आज भी आप इस पर कायम है कि अगर यही स्टेटस रहा है कि आप तो फिर ये बात तोड़ मरोड़ के वही बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके सामने ये बात कहे कि हम लोग अलग हैं? हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग इस मुल्क के साथ थे, कुछ बिना पे साथ थे। तो ये बयान अगर ये तोड़ देते हैं उसको तो जिम्मेवार वो है, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला दबने वाला नहीं है, जानी तो है, जाना तो है इस दुनिया से, तो डरना किस बात का है? किस बात से डरना? जेल भर देंगे, फांसी दे देंगे और क्या करेंगे? मगर ये हमारे जो हक हैं उनको दबा नहीं सकते, वो दब नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती, जिनकी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इतिहादी हुक्मरान थी, जब भारतीयों ने इनकी पीठ में छुरा घोंपकर उनकी हुकूमत खत्म की तो उन्हें एहसास हुआ कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने इंतहा पसंद हिंदू बनने की इसी फितरत के पेश नजर दो कौमी नजरिया पेश किया था जो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुआ। 5 अगस्त हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला तरीन दिन है, जब यहाँ की पार्लियामेंट में चोरों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें इसी पार्लियामेंट ने दिया था। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाहाक एक बाइज़त मुआहदा था, जिसको आज खुद ही मरकजी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज कब्जे में बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर है कि हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का जो फैसला किया था वो शायद सही नहीं था। दीगर भारत नवाज सियासतदानों की मशरूत रिहाई के बावजूद महबूबा मुफ्ती को कैद रखने की बुनियादी वजह यही है कि काबिज फौज ये समझती है कि अब ये दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान की हामी है, वो रिहाई के लिए इनसे तहरीरी जमानत मांग रहे हैं। इन द फर्स्ट PSA डोसियर अगेंस्ट महबूबा मुफ्ती, द J&K एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द ग्रीन कलर ऑफ द PDP फ्लैग, द रिजेम्बलेंस ऑफ द इलेक्शन सिंबल विद दैट ऑफ द मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट दैट हैड बीन फॉर्मड इन 1987, एंड हर रिफ्यूजल टू साइन अ बॉन्ड दैट शी वुड नॉट टॉक अबाउट द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एज द रीजन फॉर स्लैपिंग PSA अगेंस्ट हर। So the government is saying, look, we are ready to try and consider releasing her, but these are our conditions. How do you respond? It's laughable. I mean, first of all, you infringe upon a person's individual rights, their constitutional liberties, their sense of personal liberty, and then you're saying that you've done something illegal, you've done something arbitrary, and then you're telling the person that here are these conditions, and if you don't fulfill these conditions, we cannot release. मकबूजा जम्मू कश्मीर में जदीद दुनिया का तवील तरीन भारतीय फौजी मुहासरा है। भारतीय फौजी तहरीक आजादी कश्मीर को कुचलने के लिए वसी पैमाने पर कश्मीरियों का हलोकास्ट कर रहे हैं। कश्मीरी कौम नतायज से बेपरवाह होकर जिद्द जोहद आजादी का परचम बुलंद किए हुए है। अब यकीनन भारत की तबाही और कश्मीरियों की आजादी का सूरज तलू होने को है, इंशाल्लाह।